Today we talk about the Tata Nexon, which is produced 118.3 bhp at the rate of 5,500 rpm, which is 1199 cc turbocharged engine with 6-speed manual transmission. पहले बात करते हैं इसके exterior की. Here we get projector headlamp with tri aero DRLs. Below it we get warning fog light, which is absolutely awesome. प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें 16-inch का diamond cut alloy wheel देखने को मिलता है. डोर की बात करें तो इसमें पियानो ब्लैक ORBMs विथ टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलता है. नीचे की तरफ हमें डोर साइड बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलता है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए. ड्यूल टोन कलर रूफ विथ ए पिलर एंड सी पिलर देखने को मिलता है, इसके लुक को इन्हेंस कर देता है. पीछे की बात करें तो इसमें हमें ट्राई एरो सिग्नेचर LED टेल लैम्प देखने को मिलता है विथ टर्न इंडिकेटर के साथ. देन सेंट्रल में नेक्सॉन की प्लेजिंग. अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की. इनसाइड द कार वी कैट ट्राई एरो थीम इंटीरियर विथ प्रीमियम व्हाइट फिनिश ऑन डैशबोर्ड विच कम सॉफ्ट टच. बिलो इट क्रोम फिनिश ऑन एयर वेंट. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेयरिंग विच इज माइंड ब्लोइंग बाय लुक. हियर वी गेट फ्लैट बॉटम एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील विथ क्रूज कंट्रोल. नीचे की बात करें तो इसमें हमें पार्शियल ट्रे मिलता है जिसमें हम बॉटल्स कैरी कर सकते हैं. इसमें हमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिलता है. एक स्पेशल फीचर की बात करें कि वॉइस अलर्ट, फ्यूल डोर ओपन, सीट बेल्ट रिमाइंडर पर वो वॉइस अलर्ट करता है. इसमें हमें फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर मिलता है और एक फीचर है जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको मोड. में लेदर के सीट मिलते हैं जिसमें अच्छा ग्रिप मिल जाता है सीटिंग कंफर्ट के लिए. ड्राइवर सीट रहता है उसका हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें हमें ड्राइवर साइड डोर में हमें चारों डोर के पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं विथ मिरर कंट्रोल के साथ. एसी की बात करें तो इसमें हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है विथ क्रोम फिनिश एयर वेंट में. हमें कीलेस एंट्री, स्मार्ट एक्सेस कार एंट्री, स्मार्ट की बैंड, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पार्किंग सेंसर वाले फीचर भी देखने को मिल जाते हैं. इसमें हमें 7-inch का इंफोटेनियस सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें हम एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन लाइफ व्हीकल डायग्नोसिस, व्हीकल लाइफ लोकेशन ट्रैक सेट, जियो फ्रेंड्स, वैलेट मोड, ट्रिप एनालिसिस, नेचुरल वॉइस कमांड रिकॉग्निशन फीचर भी देखने को मिल जाते हैं. इंफोटेनियस सिस्टम 8 स्पीकर के साथ आते हैं. अब पीछे की बात करें तो इसमें हमें लेदर के सीट मिलते हैं, उसमें हमें रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड और अच्छा खासा हेडरूम लेगरूम भी मिल जाता है. बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसमें हमें 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और आप चाहें तो उसके सीट पीछे के सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसमें कैरी कर सकते हैं. अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें हमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो लॉक्स, साइड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थीप अलार्म, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, साइड इंपैक्ट एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम, टायर प्रेशर मॉनिटर, इंजन इमोलाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, रोल ओवर माइग्रेशन, रियर कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, हिल असिस्ट सेफ्टी फीचर हमको नेक्सॉन में देखने को मिलते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. धन्यवाद.